ब्रजघाट तीर्थ नगरी में दिन गुरुवार को लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। बड़ी दीपावली के दिन श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया और पंडितों को दान दक्षिणा देकर कार्तिक अमावस्या पर गरीब लोगों को खाना खिचड़ी व रजाई कंबल आदि बांटे और गंगा स्नान कर त्योहार के दिन अपने घर को रवाना हुई। पंडित सतपाल शास्त्री जी ने बताया कि गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने सत्यनारायण की कथा सुनकर बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ कराकर कंबल आदि बांटे। ये बताइए, जो मावस का महत्व है ये क्या है? कार्तिक नाहन की जो मावस्य है इसका क्या महत्व है? देखिए, यहाँ से दूर दूर से लोग बाग आते हैं, श्रद्धालु अधिक संख्या में आते हैं और पितरों के लिए महामावस्या होती है। ये पितरों की शांति के लिए पूजा वगैरह करते हैं यहाँ पे आकर और जो है स्नान वगैरह करते हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो पंडित जी, जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु, इनके लिए व्यवस्था कैसी है यहाँ पर ब्रजघाट गंगा जी पर? यहाँ पर व्यवस्था सरकार ने बहुत अच्छी दे रखी है, काफ़ी सफाई भी रहती है और प्रशासन भी सख्त रहता है और प्रशासन ने जो है लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात कर रखी है जगह जगह पर। तो अच्छा है। देखो, तो ये बाहर से आए हुए श्रद्धालु जो हैं, ये यहाँ कार्तिक अमावस्या पर आने के बाद क्या क्या दान दक्षिणा वगैरह देते हैं, क्या क्या काम कराते हैं? देखिए, दान दक्षिणा तो इंसान के सामर्थ्य के ऊपर है, इंसान अपनी आस्था से क्या दान करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अब कार्तिक मेले का तो बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ पे अपने पूर्वजों की शांति के लिए लोग दीपदान। तो पंडित जी, जो कार्तिक मेले की तैयारी है इसको लेकर क्या कहना है आपको, कैसी तैयारी चल रही है ब्रजघाट में? देखिए, प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और हमें भी प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। बस ये है कि दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनकी सुविधा कैसी है श्रद्धालुओं के लिए? काफी अच्छी सुविधा है। सरकार के आदेश अनुसार ब्रजघाट तीर्थ नगरी गंगा जी पर अधिक मात्रा में बाहर से आए श्रद्धालुओं को लेकर कार्तिक स्नान तैयारियों में जुटा प्रशासन। चौकी प्रभारी अमित सिंह द्वारा कार्तिक अमावस्या पर समस्त चौराहे पुलिसकर्मी तैनात किए गए। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।